डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 47। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक लास्ट वीडियो में मैं दे चुका हूँ, और अब हम लोग इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल इन द बॉक्सेस, यहाँ पे एक बॉक्स को भरना है। यहाँ पे दो पार्ट में दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे इक्वल के पहले ये दिया हुआ है और इक्वल के बाद ये दिया हुआ है। इसमें डिवाइजर नहीं दिया हुआ है। डिवाइडेंड तो है लेकिन डिवाइजर नहीं है। तो इसका वैल्यू जो आएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू सेम आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 108 54 तो क्या हो जाएगा, 1 बार में गया 9, 1 बच गया 8, 9 2 18 ये कट गया। अब यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, 5 नहीं जाएगा तो 0 ले लिए, 4 फिर लिए और 9 6 54 कट गया। इसका क्या आंसर आया, मतलब है कि यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। ये जो नंबर है इसको हम 9 से जब डिवाइड किए तो इसका आंसर क्या आ गया, 12.06। और दूसरा जो नंबर दिया हुआ है इसमें क्या है, इसका भी आंसर यही आना चाहिए। तो ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें पॉइंट थोड़ा सा इधर कर दिया गया है, पॉइंट जो है एक बार इधर किया हुआ है। इसका मतलब है कि 9 अगर रखते हैं तो इसमें सेम जो कॉसेंट है वो नहीं आएगा। तो कॉसेंट सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो पॉइंट इधर कर दिया है तो क्या होगा, ये कॉसेंट जो है इसका ये इधर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमको बदलाव करना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट जब नहीं रहता है तो पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ है। अब क्या है कि जब ये पॉइंट उठ के इधर गया, यहाँ पे इधर गया, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है उठ के अगर इधर चला जाए तो फिर ये वैल्यू सेम आ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। ये अगर ये कर देते हैं तो इसका वैल्यू सेम हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा इतना, तो इसका मतलब है कि 90 यहाँ पे जो है, ये बॉक्स जो है यहाँ पे आ जाएगा 90। ये हो गया 15 का क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइजर मेरे पास नहीं है, ये डिवाइजर निकालना है। सबसे पहले इसका वैल्यू पता कर लेते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट इसका हटाएंगे। तो यहाँ पे 18 से डिवाइड कर देते हैं, 291 इस यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। यहाँ कितना बार जाएगा, तो 18 2 36 हो जाता है, 1 बार में ही जाएगा, 1 बार ले लेते हैं। ये हो गया और यहाँ पे 1 और ये 1, अब यहाँ पे 1 हो गया। तो 18 का टेबल पढ़ना होगा, 18 36 54 78 75 85 96 78 94, मतलब 108 6 बार में जाएगा, 108। तो यहाँ पे 3 हो गया, कट गया ये, और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया 6, 18 2 36 2 बार में ये कम्प्लीटली कट गया। क्या वैल्यू आया, इसका मतलब है कि 29.16 बाय 1.8, इसका वैल्यू हो गया 16.2। अब इसका वैल्यू, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि 2.916 बाय 1.8, अगर इसको हम लेते हैं तो इतना नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट कहाँ था, देख रहे हैं, 2 डिजिट के बाद, मतलब यहाँ, उसके बाद जो है एक पॉइंट जो है एक बार इधर सरकाया गया इधर। तो हम क्या करते हैं, इसको भी एक बार इधर कर देते हैं, वैल्यू सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब 0.18, फिर जो है वैल्यू इसका आ जाएगा 16.2, मतलब डिवाइजर हमारा जो है 0.18 होगा। एक बार पॉइंट इधर सरका है तो हम भी एक बार पॉइंट इधर सरकाएंगे और सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 0.18, और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16
फिल इन द बॉक्सेस मतलब भरने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे है 13.1 डिवाइड, इसको हम किससे डिवाइड दें कि उतना के उतना ही रह जाए, ये बतला रहा है 13.1। तो किसी भी नंबर को हम लोग 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो उतना ही रह जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। और बी नंबर में यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है 5.01, इसको 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो अभी जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो उतना ही रह जाएगा, तो 1 से अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं तो उतना ही रह जाएगा, मतलब यही नंबर आएगा। तो इसका आंसर कोसेंट जो है इसका यही हो जाएगा 5.01। तो ये काफ़ी सिंपल था। अब नेक्स्ट लेते हैं।